Hey everyone, मैं हूँ ज्योति जसनक द गर्ल. थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाय. तो आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ डेमो एंड रिव्यू एवर यूथ के एक बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट का, जो कि है ये एवर यूथ का गोल्डन ग्लो पील ऑफ मास्क, जो कि है विद 24 कैरेट गोल्ड. तो या ये भी उसका बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर प्रोडक्ट है. मैं पहले लाइक कॉलेज टाइम में मैंने इसको 2-3 बार यूज़ करा हुआ है एंड आज बहुत सालों बाद मैं इसको यूज़ करने जा रही हूँ. सो या लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, यूजफुल लगता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा. तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको वीडियो अच्छा लगा है. तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलेगा. उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं जिनके लिए वीडियो यूजफुल हो सकता है. और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें इसी तरीके के ढेर सारे ऑनेस्ट रिव्यू एंड डेमो वीडियोस देखने के लिए. और आप चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसकी आईडी मैं यहाँ कहीं स्क्रीन पे दे दूंगी. वहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ और वहाँ पे आप अपनी क्वेरीज, जैसे कि हेयर केयर, स्किन केयर, ब्यूटी, लाइफस्टाइल रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज है, सवाल है, आप वहाँ पे मुझे वो डीएम कर सकते हो. सो या लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. तो थोड़े से डिटेल्स दे देती हूँ आपको इस मास्क के बारे में. तो ये जो एवर यूथ का गोल्डन ग्लो पील ऑफ मास्क है, ये आता है ₹70 का, जिसमें आपको मिल जाते हैं 50 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट्स. और इसकी एक बड़ी ट्यूब भी आती है. अगर मैं पैकेजिंग की बात कर लूँ तो इसके साथ कोई भी आउटर कार्टन नहीं आता. और जैसे कि आप देख सकते हैं, इसी तरीके की व्हाइट एंड गोल्डन कलर की ये स्क्वीजी ट्यूब में आता है. तो स्क्वीजी ट्यूब होने की वजह से काफ़ी हाइजीनिक हो जाता है प्रोडक्ट को निकालना, और काफ़ी सेफ भी है, ट्रैवल करने के लिए भी ईजी है. लाइक कॉम्पैक्ट है, आप इसको अपने बैग में ले जा सकते हो ईजीली. सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ट्यूब पर दी हुई है. और अगर मैं इनकी अवेलेबिलिटी की बात कर लूँ तो ये बहुत ही ईजिली आपको आपके नियर बाई स्टोर्स में, ब्यूटी स्टोर्स में मिल जाएगा. साथ ही साथ में ऑनलाइन भी, जैसे कि नाइका पे, अमेजॉन पे, फ्लिपकार्ट मिल जाएगा. मैं ऑनलाइन परचेज लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अगर आप चेक करना चाहें. पहले मैं इसको अमेजॉन से मंगा रही थी, बट वो एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्ज ले रहे थे और साथ ही साथ कुछ नंबर ऑफ ऑर्डर भी 2 या 3 थे, आप एक नहीं ऑर्डर कर सकते थे. तो फिर मैंने इसको अपने नियर बाई स्टोर से ले लिया. और चलिए बात कर लेती हूँ कि ये जो फेस पैक है, ये क्लेम्स क्या क्या करता है. तो इनका कहना है कि ये जो है, ये होम फेशियल वाला आपको इफ़ेक्ट देगा. आपके डेड स्किन को निकालेगा, डर्ट को निकालेगा, स्किन पोर्स को क्लीन करेगा, ब्लड सर्कुलेशन को स्टिमुलेट करेगा, ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ाएगा और आपके कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाएगा. ये क्लेम्स थोड़े से ज़्यादा हो गया आई गेस. और सिर्फ 15 मिनट्स पर, जिसपे एक छोटा सा एस्ट्रिक मार्क लगा हुआ है, सिर्फ 15 मिनट में आपको नेचुरल फेयरनेस विथ अ गोल्डन ग्लो देगा. तो फेयरनेस वाले पार्ट में मैं कमेंट नहीं करना चाहती, बिकॉज आई डू नॉट सपोर्ट फेयरनेस, ऑल दैट फेयरनेस थिंग. और इन 15 मिनट्स पे इन्होंने ऐसे एस्ट्रिक लगाया हुआ है, दैट मींस इनका यहाँ पे कहना है कि ये 15 मिनट्स वाला जो क्लेम है, ये वेदर कंडीशन के अकॉर्डिंग और स्किन टाइप के अकॉर्डिंग वेरी कर सकता है. और इन्होंने यहाँ लिखा है कि ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है. और लिखा है कि आपको इसको वीक में 2 बार यूज़ करना है बेस्ट रिजल्ट्स के लिए. और अगर मैंने इनके इंग्रेडिएंट्स की बात कर लूँ तो बहुत सारे केमिकल इंग्रेडिएंट्स हैं, मैं आपको लिस्ट दे दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा. बट जो लोगों का मेन कंसर्न होता है, तो यस, इसमें पैराबिन है, ये पैराबिन फ्री नहीं है. तो चलिए अब देख लेते हैं इसका डेमो, इसको कैसे अप्लाई करना एंड एवरी थिंग. तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो ऑलरेडी ओपन करते ही प्रोडक्ट जो है बाहर आने लगा है. सो लेट मी फर्स्ट अप्लाई माई हेयर बैंड, ताकि कि फेस पे बाल ना आए. और सबसे पहला जो स्टेप है इसको लगाने के पहले, वो है कि आपको अपने फेस को फेस वॉश से धो के अच्छे से सुखा लेना, और उसके बाद ही इसको अपने फेस पर अप्लाई करना है. तो लेट मी जस्ट टेक इट आउट. तो यहाँ पे छोटे छोटे से शिमर गोल्ड पार्टिकल्स भी, और इसकी जो कंसिस्टेंसी है काफ़ी रनी है. और इन्होंने लिखा हुआ है कि आपको बहुत थिन लेयर नहीं लगानी, अदरवाइज आपको इसको पील करने में प्रॉब्लम होगी. तो थोड़ी सी थिक लेयर आपको लगानी है. एंड या प्लीज अवॉइड योर आई एरिया, जो आपके सेंसिटिव एरियाज है, जैसे कि आई हो गया और हेयर लाइन हो गई, उसको अवॉइड करिएगा. आपके आईब्राउज के आसपास के एरिया को अवॉइड करिएगा. और जहां जहां पे भी आपको पिंपल्स और एक्ने हैं एक्टिव, वहां पे इसको मत लगाएगा. एक्ने पिंपल्स के ऊपर इसको बिल्कुल भी मत लगाएगा, क्योंकि ये पील ऑफ मास्क है, तो हो सकता है कि आपके एक्ने और पिंपल्स को ये वर्स करे. तो प्लीज कीप दैट इन माइंड. और इसकी स्मेल जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग है. बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल है, जो आई के आसपास लगाने के बाद आंखों में चढ़ रही है. तो जितनी क्वांटिटी मैंने ली थी, उससे अभी मेरा पूरा फेस कवर नहीं हुआ है. आई एम गोना
टेक सम मोर। लगा लिया है पैक को मैंने अपने फेस पे पूरा, और इन्होंने लिखा है कि आपको 15 मिनट वेट करना है और उसके बाद इसको पील करना है, बट आई थिंक ये 15 मिनट में बिल्कुल भी नहीं सूखने वाला है। मुझे लगता है कि कम से कम आधे घंटे लग जाएंगे इसको सूखने में, सो लेट्स वेट फॉर सम टाइम, और जब पूरी तरीके से सूख जाएगा तो फिर मिलती हूँ आपसे। ऑल राइट, तो पूरे आधे घंटे लग गए इस फेस मास्क को ड्राई होने में, और अभी मुझे लग रहा है कि कम्प्लीटली ड्राई हो गया है, तो 15 मिनट में बिल्कुल भी नहीं सूखता है, कम से कम 20-25 मिनट या आधे घंटे तो लगते ही हैं। तो चलिए इसको रिमूव करते हैं। इन्होंने यहाँ पे पैक पे लिखा है कि आपको इसको ऊपर से नीचे की तरफ रिमूव करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको पील करना। रिमूव हो गया मास्क मेरे फेस से, और इट वॉज प्रिटी ईजी, और बिल्कुल पेनफुल नहीं था, आराम से, क्योंकि हम ऊपर से नीचे रिमूव कर रहे थे इसलिए बहुत ही ईजिली रिमूव हो गया। बट अभी भी कहीं कहीं नहीं निकला है, शायद ये अच्छे से सूखा नहीं है तो ये नहीं निकला है, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा रगड़ूंगी नहीं, मैं पानी से फेस को धो लूँगी और इसको रिमूव कर लूँगी, और इसको निकालने के बाद आपको फेस को नॉर्मल वाटर से वॉश करना है, कोई फेस वॉश या सोप ऐसा कुछ नहीं लगाना है, सिर्फ नॉर्मल वाटर से आपको फेस को वॉश कर लेना है। तो मैं अपने फेस को वॉश कर लेती हूँ और जो थोड़े बहुत बचे इसको निकाल के फिर आपको मिलती हूँ। तो फेस को मैंने सादे पानी से धो लिया है, और अब मैं लगाऊंगी अपने फेस पे टोनर। तो जब भी आप कोई भी फेस पैक लगाएं उसको वॉश करने के बाद हमेशा फेस पे टोनर लगाएं। तो अगर आपके पास टोनर नहीं है तो आप नॉर्मल जो रोज़ वाटर गुलाब जल होता है वो लगा सकते हैं, और अगर आपके पास वो भी नहीं है तो कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, आपको आइस क्यूब लेना है यानी बर्फ़ का टुकड़ा लेना है, उसको एक साफ कपड़े में आप रैप करिए और अपने फेस पे आधे से एक मिनट के लिए धीरे धीरे से रब करिए और छोड़ दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपके पोर्स भी अच्छे से वो हो जाएंगे, एंड जो आपका इफेक्ट है फेस पैक का वो भी अच्छे से लॉक हो जाएगा। एंड फेस को टोन करने के बाद मैं अप्लाई कर लूँगी फेस पे मॉइस्चराइज़र। तो जो भी आप लगाते हो, सीरम, मॉइस्चराइज़र, क्रीम, जो भी आप अपने फेस पे लगाते हो वो लगा लीजिए। ऑल राइट, तो अब बात कर लेते हैं रिजल्ट्स की, कि क्या ये सच में फेस को वो पार्लर वाला ग्लो देता है या गोल्डन ग्लो देता है। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे मेरे फेस पे कोई भी गोल्डन ग्लो नहीं दिखाई दे रहा है। गोल्डन ग्लो क्या, मुझे फेस थोड़ा सा भी ग्लोइंग नहीं लग रहा है फॉर दैट मैटर। हाँ, फेस क्लीन ज़रूर लग रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि हमने पील ऑफ फेस पैक लगाया था तो मेरा फेस क्लीन लग रहा है, बट मेरे फेस पे मुझे ऐसा कोई ग्लो नहीं दिखाई दे रहा है, कोई गोल्डन ग्लो नहीं दिखाई दे रहा है, मेरी स्किन मुझे लाइक ब्राइटर अप नहीं लग रही है। तो या ये इसका रिजल्ट है। आई नो कि बहुत सारे लोगों को ये बहुत ही अच्छा लगता है, लोग इसको यूज़ करते हैं, बट सैडली मुझे ऐसा कोई ग्लो मेरे फेस पे नहीं दिखाई दे रहा है। सो यार, फाइनली मैं यही कहना चाहती हूँ कि मुझे इसको यूज़ करके ऐसा अपने फेस पे कोई ग्लो, गोल्डन ग्लो, ब्राइटनेस कुछ भी नहीं दिखाई दी, एंड ये फेस से ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स या फेशियल हेयर को रिमूव नहीं करता है। सो कीप दैट इन माइंड, अगर आप ये सोच के ले रहे हैं कि ये फेस से ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स या फेशियल हेयर को रिमूव करेगा, तो ये वो सब रिमूव नहीं करता है। हालांकि इन्होंने ऐसा कुछ यहाँ लिखा भी नहीं है, बट फिर भी मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ कि ये फेस से वो सब रिमूव नहीं करता, और मुझे मेरे फेस पे ऐसा कोई गोल्डन ग्लो नहीं दिखाई दे रहा। ऑब्वियसली फेस क्लीन मेरा लग रहा है, बट ऐसा मुझे कोई ग्लो या गोल्डन ग्लो नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं इसको दोबारा नहीं खरीदूंगी, क्योंकि आई थिंक मेरे लिए ये वेस्ट ऑफ मनी है, साथ ही साथ इसमें पैराबिन्स है, और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरे जो भी स्किन केयर आइटम हो उनमें कम से कम पैराबिन नहीं हो, पैराबिन फ्री हो। तो यार, मुझे इसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं लगे, तो मेरी तब से मैं इस फेस पैक को नहीं देती हूँ। सो यार, ये था मेरा रिव्यू एवरयूथ की गोल्डन ग्लो पील ऑफ के लिए। आपको ये रिव्यू कैसा लगा है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएगा, और ये भी बताएगा कि अगर आप इसको यूज़ करते हैं या पहले यूज़ कर चुके हैं तो आपके लिए इसका रिजल्ट्स कैसे रहे, क्योंकि सबकी स्किन टाइप अलग अलग होती है, हो सकता है ये आपके लिए अच्छा काम करता हो, मेरे लिए काम नहीं किया।
तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप और भी कोई फेस पैक्स चाहते हैं कि मैं ट्राई करूँ इसी तरीके से उस पर वीडियो बनाऊँ, तो वो भी नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। सो या अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर एंड चीयर।